जनता से जितना जुड़े हुए हैं पहले जितने वोट तरीके से आप जो उससे उसका कई गुना ज्यादा दिख रहा है, पब्लिक सिटी मिली जाते कांग्रेस भाई को और एक इतनी कम टाइम इतना पब्लिक सिटी पाने का नजरिया क्या है, या फिर क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं या फिर क्या करते हैं। लेकिन दूसरी बात की हालांकि विधायक जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था बाढ़ के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर उसकी बात है, हालांकि विधायक ऐसे हैं कि एक पल भी घर पर वक्त बिताने के लिए पॉसिबल नहीं तो घर पर आओ, विधायक जी हमेशा क्षेत्र में ज्यादा वक्त मिलते हैं और लोगों के दरमियान ज्यादातर है और आखिर ये चीजें इनको कहाँ से मिली और कैसे वहां पर पहुंचे हैं चलिए बलिता जो भी संबंधित पदाधिकारी हमको कहते हैं निर्देश देते हैं जिनका जो काम है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो यही हमारी कोशिश होती है। सर मैंने अभी कुटिहाट से जब निकले तो वहाँ पे आप सब कुटने के बाद मुझे जानकारी
पास कम हो रहा है, तो इसके लिए क्या है आपके लिए हर साल हर साल? अरे क्या हो सिंगल हो हिमाचल में हर साल हिमाचल के लोगों को हर साल बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। हर साल जो है बाढ़ जो है खास करके चोटी आती है तबाही मचाती है, अनेकों लोग बेकार हो जाते हैं। खास करके बकरा नदी के तट पर जो लोग बसे हुए हैं साल भर इस चिंता से उनको नींद नहीं आती है कि इस बार जो बाढ़ आएगा हमारा परिवार का कौन सा सदस्य पानी में विलीन हो जाएगा, हमारा घर कट कट जाएगा। इस चिंता में उनको साल भर नींद नहीं आती है और लगातार साल भर हम लोग चिल्लाते रहते हैं, सरकार से आग्रह गुजारिश करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हो, कटाव निरोधक कार्य हो, लेकिन सरकार की नींद नहीं सूझती है। ये भी चीज है, हालांकि सीमांचल में कई सारे मुद्दे हैं कि जो अब तक जो है कामयाब नहीं हो पाया है और आगे का पता नहीं क्या होगा, ये तो नहीं मालूम। सर 2020 में जो चुनाव होंगे उसमें अगर आपकी सरकार होगी तो सर आप सबसे पहले सीमांचल के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए हम लोग सबसे पहले चाहेंगे दिल्ली शहर का सबसे बड़ा बदलाव बाहर को रोकने के स्थायी कदम उठाया, नदी जोर परियोजना जैसा कोई परियोजना आए ताकि यहाँ पे लाखों लोग जिनका हर का घर फसल रोड सड़क सब चीज बर्बाद हो जाता है, ऐसा ना हमारे प्रयास होगा कि बाहर के लिए जो है परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, ये हमारी पहल होगी या प्राथमिकता होगी। चलते चलते हम लास्ट सवाल आपको लेते हैं सर, जैसा कि क्षेत्र में जो है कुछ जन समस्या लोगों का है जो कह रहे हैं लोग कि विधायक जी थोड़ा बोल रहे ठीक हो गया, विधायक जी हमारे जीत रहे हैं तो कर सर जो करते थे बात ठीक होने के बाद सर पहले आप कहते हैं पटा जाएंगे या फिर गाँव से नहीं अभी भी हम सब अभी भी जा रहा है कब से मैं भी जा रहा हूँ पता चला कि गाड़ी भी रहते हैं और गाड़ी से होता है तो तकलीफ होती है, तकलीफ अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं पा रहा, चलने में तकलीफ होती है लेकिन अभी भी मैं क्षेत्र के लोगों से बात जाता हूँ और यहाँ भी अभी भी देख रहे सुबह अभी मैंने कुछ लोगों से जानकारी लिया सुबह उन्होंने भी कहा कि नहीं हमारे जैसा विधायक भी मिला है हमें सोने का चौदह मिला है तो गर्व महसूस होता है कि विधायक जी अभी भी जो जान लोग बुला रहे हैं अभी समस्या है मैं क्षेत्र जा रहा हूँ मेरा पैर ठीक होने के बाद सबसे पहले जाऊँगा नहीं तो सड़क जो है कुछ किया दर्जनों तरह जरूर पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं, हम लोगों ने अभी फिलहाल उसने रिस्टोर कर करवा दिया है तो जाके देखूंगा वहाँ भी परमानेंट सड़क मरम्मत हो जहाँ पूरी पुलिया ध्वस्त हो गए हैं, यातायात सही तरीके से चालू हुआ है कि नहीं, ये हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी बात है कि नदाव नदी के तट पे अभी भी कई लोग दहशत में है, घर उनके कटने के कगार पे है, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये सारी बातें हैं जिनको करना दिल्ली सरकार को आप करेंगे फिर हो गए फिर भी तो देखने की बात पूरी 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 तरह से है कि विकास जो है सिर्फ सतनी और गर्मी में है, नीतीश जी का एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए रोज रोज चार योजनाएं का शुभारम्भ होता है लेकिन किसी योजना में पैसा नहीं होता है, सबसे नाम से हो सब सिर्फ नाम से हो जाते हैं, आप ब्लॉक चले जाइए ब्लॉक का खर्चा हालत है, थाना चले जाइए थाना में अच्छा खासा दुकान चल रहा है, कहीं कोच नहीं है, भ्रष्टाचार रिश्वत थोड़ी हॉस्पिटल का हालत बदतर है, शिक्षा शिक्षा जो है अपने शिक्षा इंदोरा करता है वहाँ पे भी कामयाब कुछ नहीं, कहीं कोई शिक्षा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, हॉस्टल में लोग हॉस्पिटल में लोग दर्शन की भटक भटक रहे हैं, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है पहले कभी नहीं हुआ था। सर आपको लगता है कभी नीतीश सरकार जो चाह रहे कि हम जैसे कह रहे विकास प्रोजेक्ट बना करके वो सबके नाम लग रहे हैं मैंने विकास किया किसी भी एंगल से तो मीडिया को तो नहीं लगता है पर आप विधायक हैं तो आपको ज्यादा है, अगर नीतीश जी जितना दावा करते हैं ये सरकार जितना विकास के बारे में दावा करती है अगर उसका आधा भी जमीन से उतर जाए तो मुझे ना चलिए आपके लिए बहुत शुक्रिया कि जब पता चल सकता ठीक है और जनता से दूर हो जाए क्योंकि देखिए विधायक धन्यवाद भाई की बात होगी उन्होंने जो क्षेत्र की समस्या है उन्होंने बखूबी बताया।
क्या कुछ चल रहा है, किस सरकार में सत्ता में है, किस सरकार से विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अब जो है वो काला चिट्ठा सुता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर, मैं बिना रहा हूँ।